न्यायियों की पुस्तक अध्याय दो। न्यायियों की पुस्तक अध्याय दो। इसराइलियों का बिगड़ना और उसका दंड भोगना और फिर पश्चाताप करके छुटकारा पाना। और यहोवा का दूत गिलगाल से बोकिम को जाकर कहने लगा कि मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी और मैंने कहा था कि जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी न तोड़ूंगा। इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा न बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना। परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया है? इसलिए मैं कहता हूं कि मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से न निकालूंगा और वे तुम्हारे पांजर में काटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदे ठहरेंगे। जब यहोवा के दूत ने सारे इसराइलियों से ये बातें कही, तब वे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और उन्होंने उस स्थान का नाम बोकिम रखा और वहां उन्होंने यहोवा के लिए बलि चढ़ाया। जब यहोशू ने लोगों को विदा किया था, तब इसराइली लोग देश को अपने अधिकार में कर लेने के लिए अपने अपने निज भाग पर गए और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इसराइल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं। इसराइली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। निदान यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया और उसको तिम्नथेरेस में, जो एप्रेम के पहाड़ी देश के गाश नाम पहाड़ की उत्तर अलंग पर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इसराइल के लिए किया था। इसलिए इसराइली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नाम देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराए देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रीस दिलाई। वे यहोवा को त्याग करके बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इसराइलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया, जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर न सके। जहां कहीं वे बाहर जाते, वहां यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए, तो भी यहोवा उनके लिए न्याय ठहराता था जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे। परंतु वे अपने न्यायियों की भी नहीं मानते थे, वरन व्यभिचारिन की न्याय पराए देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञाएं मानते थे, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया और उनके अनुसार न किया। और जब जब यहोवा उनके लिए न्यायी को ठहराता था, तब तब वह उस न्यायी के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था सुनकर दुखी था। परंतु जब न्यायी मर जाता, तब वे फिर पराए देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे और अपने बुरे कामों
और हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा और उसने कहा, इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया और मेरी बात नहीं मानी। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है, उनमें से मैं अब किसी को उनके सामने से न निकालूंगा, जिससे उनके द्वारा मैं इस्राएलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे, वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एकाएक न निकाला, वरन रहने दिया, और उसने उन्हें यहोशू के हाथ में भी उनको न सौंपा था।